सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट के बारे में। अगर आप अभी के टाइम में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डीमैट अकाउंट हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे AMC भी फ्री है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ फ्री में अकाउंट ओपनिंग का। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली करना क्या होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, मोतीलाल ओसवाल पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप क्रोम ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको मोतीलाल ओसवाल पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग के स्टेप देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। लेकिन मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, टॉप में आना होगा, आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ईजिली हो जाए। अदरवाइज आप अपना दूसरा नंबर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, आपको उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। तो जैसा आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, नीचे आपका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नेम यहाँ पे करेक्ट है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, नीचे आपको कैलेंडर पे क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपको अपने बैंक की डिटेल एंटर करनी होगी, जहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, IFSC कोड एंटर करना होगा और यहाँ पर जो आप अकाउंट नंबर एंटर करेंगे आपका ही होना चाहिए, किसी अदर पर्सन का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर IFSC कोड एंटर करने के बाद से जैसा आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक का नेम यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, अगेन प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको अपना ऑक्यूपेशन, ये डिटेल सेलेक्ट करना होगा। आपको अपनी इनकम की रेंज सेलेक्ट करनी होगी, इन्वेस्टमेंट की एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा, आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कि नहीं, यस नो पे सेलेक्ट करेंगे। देन आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डू यू वांट टू रिसीव फिजिकल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, यानी कि DIS। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। और लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नॉमिनी को ऐड करने का, तो अगर आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप नॉमिनी ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज आपको सिंपली करना क्या होगा, बॉक्स को चेक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे फंड को ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ फंड ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट पेज पे आपको अपने सिग्नेचर को ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा, तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरह से पेज आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने फिंगर के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर ड्रॉ करेंगे। सिग्नेचर अगर यहाँ पे एरर आ जाता है तो आप यहाँ पर रिटेक पे क्लिक करके दोबारा से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको सिग्नेचर का ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। देन आपको सेकंड ऑप्शन आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसा आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, इजी और आधार लिंक विथ मोबाइल नंबर। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी को अपलोड कर देंगे। उसके बाद से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लाइव फोटो एंड सेल्फी का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेक लाइव फोटो एंड सेल्फी पे क्लिक करेंगे, कैमरे की परमिशन को अलाउ करके सेल्फी क्लिक कर लेंगे। सेल्फी क्लिक करने के बाद से लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेड इन FNO का, जो कि ऑप्शनल है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे FNO को एक्टिवेट करने के लिए आपको इनकम प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, जिसमें आप लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप या ITR की रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आपको सिंपली करना क्या होगा, स्किप करना होगा और प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि ईसाइन का प्रोसेस है। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऊपर बॉक्स को चेक करके नीचे आप यहाँ पे आधार बेस ईसाइन सेलेक्ट करेंगे, सब सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपको एक कुछ इस तरह से कंडीशन वाला पेज देखने को मिल जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद से आप NSDL के ई गवर्नमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और नीचे यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया इसे चेक करना होगा, जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। जैसा आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसा आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, एक प्रोसेस वाला पेज आपको देखने को मिलेगा।
आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा, देन आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देखने मिल जाएगा और आपके यहाँ पे यूज़र आईडी भी जनरेट हो जाएगा जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अभी के टाइम में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, लॉगिन टू ऐप पे क्लिक करना होगा और मोतीलाल ओसवाल डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से परमिशन को अलाउ करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा। अदरवाइज अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को फर्स्ट टाइम रीसेट भी कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर या डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके एक न्यू पासवर्ड को सेट कर लेना होगा। पासवर्ड को रीसेट करने के बाद से आपको सिंपली बैक आना होगा, मोबाइल नंबर पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पर अगेन एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ पर ओटीपी एंटर करके जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आप मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का डेमो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ऊपर आपको थर्ड लाइन पे क्लिक करना होगा, फंड ट्रांसफर पे क्लिक करना होगा, ऐड फंड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सिंपली फंड ऐड कर लेना होगा। यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली अमाउंट एंटर करके गूगल पे या फोन पे सेलेक्ट करेंगे, आप उस एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे एक प्रोसेसिंग वाला पेज देखने को मिल जाएगा और आप उस एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको सिंपली करना क्या होगा, सेम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके पैसे को ऐड कर लेना होगा। देन आपको सिंपली बैक आना होगा, बैक आएंगे यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस वाला पेज देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा, जो फंड ऐप के अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपको सिंपली सर्च बार में जाना होगा और यहाँ से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आइडिया सर्च करना चाहता हूँ, आइडिया के स्टॉक देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे, डिलीवरी एंट्राडे एमटीएफ सेलेक्ट करेंगे, लिमिट या मार्केट सेलेक्ट करेंगे, नीचे आप यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करेंगे, कितने क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, बाय पे क्लिक करना होगा, यस पे क्लिक करना होगा, अगेन बाय पे क्लिक कर देना होगा, जो आपका ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको ये भी डेमो यहाँ पे दे दिया है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था अभी के टाइम में मोतीलाल ओसवाल पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, कैसे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करेंगे, कैसे स्टॉक को बाय करेंगे, सेल करेंगे। इसके अलावा इस रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।